अभी वीरानगढ़ में जिस तरह से ये मौत का सिलसिला शुरू हुआ था वो लगता नहीं था कि जल्दी रुकने वाला था अपमान की आग कितनी खतरनाक हो सकती है इसका ताजा नमूना उस नवनियुक्त राजपुरोहित की जान जाने के बाद सबको दिख चुका था अब बारी थी महाराज के प्रिय महारानी की जो पहले से ही खून की उल्टियां करते आ रही थी उनकी जिंदगी कुछ पलों की मेहमान थी लेकिन क्या उन्हें इतनी आसान मौत मिलने वाली थी राजपुरोहित का गुस्सा इतने पर ही नहीं ठहरने वाला था वे वीरानगढ़ की पूरी व्यवस्था को तबाह कर देने वाले थे एक ही रात में इतना सब कुछ तो होना संभव नहीं था लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ था उसे पूरा राजमहल कांप उठा था महाराज को अब अपनी गलती का एहसास तो हो चुका था लेकिन वे फिर भी अपने अहंकार में डूबे हुए थे मंत्रियों के बार बार समझाने पर भी पिछले राजपुरोहित से क्षमा याचना करने को तैयार नहीं थे हालांकि उनका अपराध क्षमा योग्य तो था भी नहीं लेकिन फिर भी लोगों का मानना था कि शायद राजपुरोहित महाराज को क्षमा कर सकते थे इतने बड़े साम्राज्य के महाराज को एक राजपुरोहित के आगे इस तरह से घुटने टेकना शोभा नहीं देता था इसलिए महाराज अपनी जिद पड़ा रहे रात में ही महाराज के गुप्तचर राजपुरोहित खोजने के लिए निकल गए थे उन गुप्तचरों को ये बात तो पता थी कि हो न हो राजपुरोहित का ठिकाना मायावी जंगल ही हो सकता था लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जंगल में उनके साथ क्या होगा वे केवल दो गुप्तचर थे और क्योंकि वहां पर उन्हें छुप छुपा कर जाना था इसीलिए अपने साथ मशाल लेकर भी नहीं चल सकते थे दूसरे उन लोगों के जंगल में प्रवेश करके अभी वे कुछ ही कदम आगे बढ़े थे उन लोगों पर चमगादड़ों के एक बड़े से झुंड ने ऐसा हमला किया कि वे जान बचाकर भाग खड़े हुए वे सभी चमगादड़े इतनी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे कि उन दोनों को अपना निवाला बनाने के लिए उन पर हमला कर रही चमगादड़ों ने उन्हें बुरी तरह अपने पंजों और नाखनों से घायल कर दिया था और जैसे तैसे वे लोग राजमहल पहुंचे रात काफी हो चुकी थी और राजमहल में सभी लोग सो चुके थे लेकिन मामला जितना गंभीर था उसके हिसाब से गुप्तचरों को महाराज को सब कुछ बताना ही था महाराज के कक्ष में बजने वाले घड़ियाल को बजाकर महाराज को नींद से जगाया गया महाराज बाहर निकले और उन्होंने गुप्तचरों से हाल जानने की कोशिश की तो उनकी हालत देखकर महाराज को सब कुछ समझ आ गया ये बात समझ गए थे कि गुप्तचरों पर भी भयानक तरह से हमला किया गया था उनके चेहरे और माथे से टपकता हुआ खून इस बात की पुष्टि कर रहा था कि वे लोग अपनी जान बचाकर भाग कर आए थे हमें एक एक बात पूरी विस्तार से बताओ वो राजपुरोहित इस समय कहाँ है तुम्हें इतनी चोट कैसे आई महाराज ने उन गुप्तचरों से पूछा वे डर और घबराहट की वजह से ठीक से जवाब नहीं दे पाए अकलाते हुए उनमें से एक ने कहा वो वो महाराज ऐसा लगता है जैसे वो पूरा मायावी जंगल उसका ठिकाना बना हुआ है हम चाहकर भी उसे जंगल के अंदर तक नहीं पहुंच पाए भयानक चमगादड़ों के एक झुंड ने हम लोगों पर प्राणघातक प्रहार करना शुरू कर दिया उन लोगों ने महाराज को बताया कि उनके साथ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी सामान्य घटना नहीं थी इस तरह से चमगादड़ों का हमला इतने सालों के इतिहास में तो कभी भी नहीं देखा गया था उनकी बातें सुनकर महाराज को ये तो भरोसा हो गया था कि उन्हें अब वहां पर गुप्तचरों को नहीं बल्कि सैनिकों को भेजना होगा सुबह होते ही महाराज ने अपने सेनानायक को आदेश दिया कि उन्हें मायवी जंगल को चारों तरफ से घेर कर उस पुराने राजपुरोहित को जीवित अवस्था में उनके समक्ष प्रस्तुत करना है जिस समय महाराज अपने सेनानायक को यह आदेश दे रहे थे उसी समय उनकी उस महारानी की तबियत इतनी खराब हुई थी कि कोई उन्हें संभाल ही नहीं पाया उनकी तबीयत बिगड़ता देख उनकी तबीयत बिगड़ती देख राज्यवैद्य ने तुरंत महाराज को महारानी के कक्ष में बुलवाया जब महाराज वहां पर पहुंचे तो महारानी जो अब तक बिस्तर पर किसी बेजान गुड़े की तरह लेटी हुई थी वह अचानक जोर जोर से हंसने लगी एक के बाद एक कई बार खून की उल्टियां करने के बाद उनका शरीर सफेद पड़ने लगा था शरीर की नीली नसें साफ साफ दिखाई देने लगी थी राजवैद जब तक उनके इलाज कर लेने का दावा करते आए थे अब उन्होंने घुटने टेक दिए थे जैसे ही महाराज उन्हें संतावना देने के लिए उनके पास पहुंचे अचानक महारानी किसी बिल्ली की तरह झपटकर उन पर कूद पड़ी उन्होंने अपने तीखे नाखून से महाराज पर हमला करना चाह राज पुरोहित और के साथ सैनिकों ने तुरंत महारानी के हाथ पकड़ लिए महारानी इतनी खतरनाक लग रही थी जैसे वो कोई चुड़ैल हो और महाराज उसका शिकार ऐसा लग रहा था कि वो महाराज के गले पर अपने नुकीले दांत गड़ाकर उनका खून चूस लेना चाहती है जैसे ही सिपाहियों और राजवैद ने महारानी को पकड़कर दोबारा से बिस्तर पर पटक दिया और उसके हाथ पैर पकड़ लिए तो वो बहुत जोरों से छटपटाने लगी वो पांच आदमियों से भी संभल नहीं पा रही थी थोड़ी थोड़ी देर बाद वो जमीन से ऐसे ऊपर उड़ जा रही थी मानो इंसानी नाव महाराज समझ चुके थे कि वो अब उनकी महारानी नहीं रह गई थी वो एक जीती जागती मौत बन चुकी थी अगर समय रहते उस महारानी का काम तमाम नहीं किया जाता तो शायद और लोगों की जिंदगियां तबाह हो सकती थी महाराज ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया तलवार से उनके दो टुकड़े कर दिया जाए राजपुरोहित और सैनिक महाराज के इस आदेश को सुनकर दंग रह गए लेकिन वो जिस तरह के हालात बन रहे थे उसके बाद सोचने का समय नहीं था महाराज ने जैसे ही आदेश दिया सैनिकों ने अगले पल महारानी के गले पर तलवार चला दी बिना सर का धड़ जोरों से तड़पने लगा वो पलंग पर छटपटा रही थी और गर्दन जमीन पर नीचे गिर गई थी एक तरफ महाराज के आदेश को मानकर सेनानायक ने अपनी सेना को मायावी जंगल को घेरने का आदेश दे दिया था तो वहीं दूसरी तरफ राजमहल में एक और महारानी की मृत्यु हो चुकी थी महारानी के इस दर्दनाक मौत की खबर पूरे वीरानगढ़ में जंगल की आग की तरह फैल गई दिन निकलते ही महारानी के साथ साथ नवनियुक्त राजपुरोहित के शब की भी अंतिम यात्रा निकालने का प्रबंध करवाया गया पूरा वीरानगढ़ जहां कुछ दिनों पहले तक युवराज के स्वयंबर का उत्सव चल रहा था वहां मौत का सन्नाटा पसरने लगा था शोक सभा में साम्राज्य के सभी विशिष्ट और आम व्यक्ति इकट्ठे हुए एक साथ दो चिताएं सजाई गई दोनों ही लोगों की राजमहल में विशिष्ट पहचान थे इसलिए उनका अंतिम संस्कार भी उसी वैभव के साथ किया जाना था भले ही वो मृत महारानी युवराज देवराज की सगी मां नहीं थी लेकिन वो वीरानगढ़ की राजमाता थी देवराज एक बेटे के तौर पर अपनी माता के अंतिम संस्कार की सारी विधियां पूरी करने में लगे हुए थे जहां वीरानगढ़ के तमाम लोग अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हुए थे तो फिर एकलव्य वहां कैसे नहीं पहुंचता एकलव्य को तो पहले से ही पता था कि वहां पर क्या होने वाला था इसलिए वो पहले ही वीरानगढ़ पहुंच चुका था अभी शव यात्रा राजमहल से बाहर नहीं निकली थी श्रद्धांजलि देते हुए लोगों में जैसे ही युवरानी की नजर एकलव्य पर पड़ी तो वह तुरंत एकलव्य से मिलने के लिए तड़प उठी ऐसा नहीं था कि महारानी की मौत का उन्हें खीद नहीं था लेकिन वह इस बात को जानती थी कि यह जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे महाराज के अत्याचार ये लेकिन क्या यह एकलव्य और रूपमती से बात करने का सही अवसर होता एकलव्य को वहां देखकर उसकी मां स्वप्न सुंदरी इस बात को समझ गई थी एकलव्य उनके मना करने के बावजूद भी रूपमती से मिलने के लिए वहां आया था इससे पहले कि युवराज को इस बारे में पता चल जाता और वह एकलव्य को बंदी बना लेते स्वप्न सुंदरी स्वयं एकलव्य के पास पहुंच गई तुम्हें इस समय यहां पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए था क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि राजमहल में किस तरह का दुख पसरा हुआ है मैं जानती हूं तुम यहां किस उद्देश्य से आए हो पहले भी मैं तुम्हें समझा चुकी हूं कि तुम्हारा युवरानी से मिलजोल बढ़ाना संकट को आमंत्रित करना है भले ही मैंने तुम्हें अपने सीने से लगाकर नहीं पाला लेकिन मैं ही तुम्हारी मां हूं मैंने तुम्हें जन्म दिया है मुझे तुम्हारी चिंता होती है स्वप्न सुंदरी ने एकलव्य से कहा दोनों ही अर्थियों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाए जाने लगा एकलव्य अंतिम संस्कार में बाकी लोगों के साथ सम्मिलित नहीं हुआ और वहीं ठहर गया जैसे ही रूपमती ने देखा कि स्वप्न सुंदरी अपने बेटे एकलव्य से गुस्से में कुछ कह रही है रूपमती वहां पर आ गई आप चाहिए हमें क्लव्य से कुछ अकेले में बात करनी है रूपमती ने स्वप्न सुंदरी से कहा लेकिन युवरानी जी हमने आपसे कहा था कि एक युवरानी को इस तरह से किसी लोहार से बातें करना शोभा नहीं देता स्वप्न सुंदरी ने रूपमती से कहा जब आपने मुझसे ऐसा कहा था तो हमने भी आपसे कहा था कि आपको अपनी मर्यादा के दायरे को नहीं भूलना चाहिए आप एक दासी हो और हम एक युवरानी आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने कर्मों का बोझ अपने बेटे पर न ला दे हमें पता चल गया है कि एकलव्य महाराज के ही पुत्र हैं और यह भी कि वो महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं रूपमती ने सुंदरी को जवाब देते हुए कहा रूपमती के इस सच्चाई के बारे में पता हो जाने के बाद शर्मिंदगी की वजह से दासी स्वप्न सुंदरी उनके सामने ठहर न सकी वह ना चाहते हुए भी, भी वहां से दूर चली गई शोभा यात्रा जो कि महल से निकल चुकी थी उसके साथ सैकड़ों लोग शमशान घाट की तरफ आगे बढ़ने लगे दोनों अर्थियों को कंधे पर रखकर लोग उन पर फूल कर कर आगे बढ़ते जा रहे थे लोगों में डर शोक और असमंजस की स्थिति बनी हुई थी राजपुरोहित के क्रोधित होने पर सिर्फ राजमहल ही नहीं बल्कि पूरे वीरानगढ़ को इसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना था गांव में शायद ही कोई ऐसा बेवकूफ होगा जो इस बात को ना जान पाए कि वीरानगढ़ के उस राजपुरोहित के पास कैसी अद्भुत और अपार शक्तियां थी इससे पहले कि सभी लोग शमशान घाट तक पहुंच पाते अचानक तेज आंधियां चलने लगी धूल का एक ऐसा गुब्बार आया कि जिन लोगों ने अर्थी को उठा रखा था उनकी आंखों में भी धूल चली गई और सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया जिन्होंने अर्थी उठा रखी थी उन लोगों के हाथों से अर्थी नीचे गिर गई हवा का इतना ज्यादा शोर और इतनी ज्यादा धूल वहां उड़ रही थी कि कुछ ही पल के लिए सभी लोगों की आंखों में सिर्फ और सिर्फ धूल ही धूल समा गई थी बड़ी मुश्किल से लोगों ने अपने आप को संभाला और वो लोग जैसे ही आरती को दोबारा उठाकर आगे बढ़ने लगे उन्होंने देखा कि मृत राजपुरोहित की आरती से उनका सिर गायब हो चुका था सभी लोग अपनी आंखें मलते हुए इधर उधर देखने लगे लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हुआ था कुछ पल आंधी चलने के बाद सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया था सभी लोग आसपास उस लाश के सिर को तलाश करने लगे थोड़ी देर तक ऐसा ही चलता रहा फिर वहीं पास की झाड़ियों में वो सिर दिखाई दिया क्योंकि अर्थी महारानी की भी थी इसलिए अंतिम संस्कार की रस्म को पूरा करने के लिए स्वयं महाराज भी घाट जा रहे थे ये घटना सचमुच हैरान कर देने वाली थी अब वीरानगढ़ में जो कुछ भी हो रहा था उसके बाद महाराज का अपने आप से भी भरोसा उठते जा रहा था आगे क्या होने वाला था ये तो पता नहीं लेकिन अब धीरे धीरे चलते हुए सभी लोग शमशान घाट पहुंच चुके थे जब दोनों ही लाशों को चिताओं पर लिटा दिया गया और अंतिम संस्कार किया जाने लगा तो एक और अनहोनी घटना घटी आग लगाने की कोशिश करते करते सभी लोग थक गए लेकिन लकड़ियों में आग ही नहीं लग रही थी बहुत ज्यादा परेशान होकर सभी लोग कुछ देर के लिए ऐसे ही नीचे बैठ गए वहां मौजूद सभी लोगों का दिमाग काम करना लगभग बंद कर दिया था अब जब सभी लोग हाथ पर हाथ धरे परेशान होकर बैठ गए थे तभी अचानक दोनों की चिताओं में भयंकर आग भबक उठी ऐसा लगा जैसे चिता में अपने आप से किसी अलौकिक शक्ति ने आग लगा दी हो। आग की तपिश इतनी ज्यादा थी कि लोगों को तुरंत वहां से दूर भागना पड़ा कुछ ही पलों में वो दोनों चिता जलकर राख हो गई जैसा कि महाराज का आदेश था उन दोनों के अंतिम संस्कार होते ही सारे सैनिक मोर्चाबंदी करके मायवी जंगल को घेरने के लिए आगे बढ़ गए एक बार फिर से सैनिक बड़ी आसानी से मायावी जंगल के अंदर प्रवेश कर गए वे लोग इधर उधर सभी दिशाओं में पूर्व राजपुरोहित को तलाश करने लगे सभी तरफ ढूंढ लेने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था तभी वो लोग एक गुफा के पास पहुंचे और उन्होंने उस गुफा को घेर लिया इससे पहले कि वे लोग गुफा को बिल्कुल करीब पहुंच पाते आसमान में उन्हें खतरनाक काले भूत दिखाई दिए इससे पहले कि उनमें से कोई भी कुछ समझ पाता वो भूत उन लोगों पर टूट पड़े खतरनाक काले और डरावने भूत पिशाच चुड़ैल सभी की वो टोली इतने सारे इंसानों को दिखकर उन पर ऐसे टूट पड़ी मानो वे सभी वर्षों से भूखे हों महाराज और युवराज भी स्वयं उस भीड़ में मौजूद थे दहशत के मारे वे दोनों जो अपनी बहादुरी के किस्से सुनाए करते थे जान बचाकर भागने लगे भागने की कोशिश सिर्फ महाराज और युवराज ही नहीं कर रहे थे बल्कि ऐसे बहुत से सैनिक थे जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे इंसानों और जानवरों के हमले से बचना तो आसान है लेकिन क्या भूतों के हमलों से भी बचा जा सकता था क्या देवराज और महाराज दोनों की मृत्यु की घड़ी आ चुकी थी क्या वीरानगढ़ के काले इतिहास का यही अंत होने वाला था क्या कोई उन भूतों को रोकने में कामयाब होने वाला था क्या राजपुरोहित महाराज और युवराज को बंदी बनाने वाले थे जानने के लिए सुनते रहिए